लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टीबीटी डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन हेलो एवरीवन आई एम अतुल आई एम फ्रॉम सूरत एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस माय रिकवरी फ्रॉम कोविड पॉजिटिव केस दोस्तों मेरा ये वीडियो आपके सामने लाने का एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों को इंस्पायर कर सकूं कि कैसे मैं इस बीमारी से लड़ा और इस लड़के इस बीमारी से बाहर निकला तो जिस तरीके से मैं इस बीमारी से बाहर निकल सकता हूँ आप भी इस बीमारी से पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं दोस्तों मेरी फैमिली में एक साढ़े तीन साल का बच्चा है और मेरी वाइफ है इन सीवियर सिम्टम्स दिखने के बाद मैंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया और फैमिली से खुद को आइसोलेट कर लिया दोस्तों मुझे सबसे पहले जो है फीवर आया दे आर आफ्टर थ्री फोर डेज आई स्टार्टड फीलिंग बॉडी पेन सॉर इन टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेल हैव कम्प्लीटली गॉन दोस्तों मेरे केस में बुखार जो था मुझे सिर्फ पहले दिन ही था उसके बाद मुझे बुखार नहीं आया तो मुझे सिम्टम्स का कुछ पता नहीं चल रहा था मेरा जो था सौ टेस्ट था और मेरी जो स्मेलिंग पावर थी वो टोटली जा चुकी थी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट के लिए कहा है इन टेस्ट में जो था एक्सरे था चेस्ट का इसके अलावा सी स्कैन था लंग्स का और कुछ ब्लड टेस्ट के लिए कहा गया जब सी स्कैन लंग्स का किया गया तो उसमें ये निकला कि मुझे जो है टेन टू ट्वेंटी परसेंट नमोनिया कोविड इन्फेक्शन हो चुका है आई वॉज कम्पलीटली शॉक्ड और कुछ ही दिनों बाद मेरा कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ और वो भी पॉजिटिव आया इतने सारे सिम्टम्स और इतने सारे रिपोर्ट्स और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद तो डॉक्टर की सलाह पर कुछ टैबलेट्स चालू की गई जिसमें एस है क्यू हैं मल्टी विटमिनस हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स शुरू हो गए इसके अलावा मैंने कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट्स भी ली इन टेबलेट्स में अश्वगंधा और गिलोई शामिल है इसने भी मुझे रिकवर करने में काफ़ी मदद किया डॉक्टर डॉक्टर का कहना था कि आप इस बीमारी में आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके अलावा इस बीमारी में आप डिहाइड्रेशन का शिकार होते हो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेने की सलाह दी गई इसमें गर्म पानी लेमन वाटर और काढ़ा शामिल है दोस्तों इस बीमारी में आप जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ महसूस करेंगे इसके लिए मैंने योगा करना अपनाया और दोस्तों आज भी मैं दोनों टाइम 20 से 30 मिनट जो है योगा करता हूँ दोस्तों मैंने अपने रूम पर ही एक इलेक्ट्रिक कैटल रखा हुआ था इस इलेक्ट्रिक कैटल से ही मैं पानी गर्म किया करता था और आठ से दस लीटर पानी मैं डेली पिया करता था दोस्तों इसमें आप जो है गारगल और स्टीम ये दो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इन चीज़ों से करने से मुझे भी ये महसूस हुआ कि ये चीज़ें जो हैं आपकी शॉर्टनेस और ब्रीथ की जो प्रॉब्लम है उसको वो धीरे धीरे ख़त्म करती हैं और ये चीज़ मेरे साथ हुआ भी है दोस्तों इसमें आप जो है पर्सनल हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखें मैं जिस रूम पर रहता था डेली उस रूम को डेटॉल के पानी से साफ करता था न केवल उस फ्लोर को साफ करता था इवन जो डोर्स हैं विंडोज़ हैं और जो जो चीज़ें जिनको मैंने टच किया है वो चीज़ें मैं क्लीन किया करता था इसमें मैंने अपने अलग से ही बर्तन रखे हुए थे जिन बर्तनों को मैं खुद क्लीन करता था और इन्हीं बर्तनों में मुझे जो है खाना सर्व किया जाता था मेरा जो रूम है काफ़ी वेंटिलेटेड है और सनलाइट भी जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में आती है तो मैं डेली आधा घंटा जो है सनलाइट लिया करता था इस बीमारी से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि फैमिली आपके साथ हो और मुझे घर पर होम केयर में मेरा सबसे ज़्यादा साथ मेरी वाइफ ने दिया जिसने खुद को और बच्चे को सुरक्षित रखते हुए मुझे टाइम से डाइट और मेडिसिन प्रोवाइड की दोस्तों इस मुश्किल वक्त में उसने मेरी हिम्मत तो और साहस को बढ़ाया फीलिंग ऑफ एनजाइटी फियर विल ट्रेगर योर माइंड बट आई हैव फुल फेथ इन गॉड एंड एवरी वन इन माई फैमिली वेदर माई वाइफ माई पेरेंट्स माई फ्रेंड्स कलीग्स दे ऑल हैव प्रेड फॉर माई स्पीडली रिकवरी एंड अल्टीमेटली दिस गिव मी इनर पावर एंड आई वॉज टोटली ऑप्टिमिस्टिक दैट आई विल भी एबल टू फाइट एंड विन दिस बैटल अगेंस्ट कोरोना मेरे लंग्स इन्फेक्टेड होने के बाद भी मैं इससे रिकवर हो सकता हूँ तो कोई भी आम आदमी जो इससे थोड़ा भी इन्फेक्ट हुआ है वो भी इससे ठीक हो सकता है तो डोंट अप्रेड हैव फेथ इन यूर सेल्फ एंड यू विल फाइंड डेट यू विल बैटल अगेंस्ट दिस डिजीज थैंक यू हैल्सो फॉलोग्राम लाइक अर्सबुक ऑन ट्विटर Follow us so you will never miss an update. Thank you guys for watching our videos. Thank you.